जय माता रानी। दोस्तों मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि 2024 में कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और हमें इस पूजा में किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, जो कि पहले ही हमें लिस्ट बना करके रख लेनी चाहिए ताकि हमें उस दिन किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा और सारी सामग्री आप लोग लिख करके रख लीजिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी सामग्री छूटे ना, कि कलश स्थापना करने के लिए किन किन सामग्री की जरूरत चाहिए, पूजा सामग्री में क्या चाहिए, कलश स्थापना जो लोग करते हैं वो कलश में डालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को शारदीय नवरात्रि के पूजा सामग्री से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप और आपके पूरे परिवार पे, हमारे और हमारे पूरे परिवार पर और मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली पे माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो बता दूं कि साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, दिन है गुरुवार और ये 12 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए पूजा सामग्री जान लेते हैं और आप लोग एक एक चीज आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग एक एक सामग्री अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपके द्वारा कुछ भी छूटे ना। तो सबसे पहले नवरात्रि के सामग्री में हमें सबसे पहले एक चौकी लेना है, या आप पट्टा भी ले सकते हैं उस पर माता रानी को विराजित करने के लिए। तो एक चौकी या पट्टा ले लीजिएगा। उसके बाद उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लीजिएगा, एक या सवा मीटर का, जितना बड़ा आपका चौकी होगा या पट्टा होगा उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो सवा मीटर का लाल या पीला कपड़ा ले लीजिएगा। इसके बाद हमें माता रानी की फ़ोटो या प्रतिमा लेना है, जो भी आपके पास में अवेलेबल है, आप चाहे तो फोटो भी ले सकते हैं या प्रतिमा भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें गणेश जी का फोटो चाहिए, या आप चाहे तो सुपारी से गणेश जी भी बना सकते हो, तो आप लोग एक गणेश जी का फोटो ले लीजिए या आप सुपारी से बना लीजिएगा। इसके बाद हमें दो चुंदरी चाहिए, लाल चुंदरी, जो एक माता रानी को ओढ़ाने के लिए और एक नारियल में लपेट करके और कलश पे रखने के लिए। इसके बाद हमें दो नारियल चाहिए, दोनों नारियल जटा वाला होना चाहिए, पानी वाला होना चाहिए, एक कलश पे रखने के लिए और एक माता रानी के अष्टमी के दिन भोग लगाने के लिए। तो भोग प्रसाद के लिए दो नारियल, एक नारियल चाहिए, ठीक है। तो दो नारियल ले लीजिएगा। इसके बाद में हमें श्रृंगार की सामग्री चाहिए, तो श्रृंगार के सामग्री कितने लोग हैं जो एकम के दिन चढ़ाते हैं और कितने लोग हैं जो सप्तमी और अष्टमी के दिन चढ़ाते हैं, तो आप लोग श्रृंगार का सामान ले लीजिएगा। इसके बाद में पंचामृत का सामग्री ले लीजिएगा, दूध दही घी शक्कर शहद यही सब मिला करके और पंचामृत बनाया जाता है, तो ये ले लीजिएगा। प्रथम दिन माता रानी की प्रतिमा को या फोटो को, प्रतिमा को स्नान कराना है, अगर फोटो है तो फोटो पे छिड़क करके और हमें उसको कपड़े से साफ कर देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा बादल गरज रहा है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कि जो लोग भी कलश स्थापना करते हैं तो उन्हें किन किन सामग्री की ज़रूरत होती है कलश स्थापना करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें एक कलश चाहिए, आप चाहे तो मिट्टी का ले ले या धातु का ले ले, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको स्टील का या फाइबर का कलश नहीं बैठाना है, आप मिट्टी का बैठाएं या धातु का बैठा लीजिएगा। इसके बाद में हमें गंगा जल चाहिए कलश में डालने के लिए, आप शुद्ध जल डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला दीजिएगा, तो गंगा जल मिला दीजिए। इसके बाद में हमें आम का पत्ता चाहिए, आम का पत्ता मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अशोक का भी पत्ता कलश में डाल सकते हो, क्योंकि आम का पत्ता अगर डालते हैं तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि आम का पत्ता जल्दी सूखता नहीं है और अशोक का पत्ता सूख जाता है, तो आम का पत्ता मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप अशोक के भी पत्ता डाल सकते हो। इसके बाद में हमें चाहिए एक लौंग कलश में डालने के लिए, एक इलायची, एक सिक्का, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प, ये सब हमें कलश में डालने के लिए चाहिए। इसके बाद में हमें दो नारियल चाहिए, एक कलश पे रखने के लिए, एक भोग प्रसाद के लिए, तो दो नारियल ले लीजिएगा।
इसके बाद में हमें एक प्लेट चाहिए। तो अगर आप मिट्टी का कलश बैठा रहे हैं तो उस पर तो जहाँ से वो मिट्टी का कलश लेंगे उस पर का वो पूर्ण पात्र ढक्कन जो होता है वो दे देगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप धातु का बैठा रहे हैं ना, तो आपको अपने अपने घर से आपको एक साफ स्वच्छ बर्तन प्लेट में उसमें आप लोग एक अक्षत करके और कलश के ऊपर रखा जाता है तो उसको पूर्ण पात्र बोलते हैं। तो आप लोग एक प्लेट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें अक्षत चाहिए। तो बता दूं कि नवरात्रि में अक्षत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि अष्टदल कमल भी बनाते हैं और प्लेट में भी अक्षत रखते हैं। इसके बाद में 9 दिन पूजा में भी लगता है। तो आप लोग आधा केजी या 1 केजी के करीब आप लोग चावल पहले ही कलर करके रख लीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर आप कलर नहीं कर सकते तो सफ़ेद चावल यूज मत कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके उसको शुद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब सामग्री हमें कलश स्थापना के लिए चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग भी ज्वार उगाते हैं, जौ उगाते हैं, उन्हें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बता दूं कि उन्हें 100 ग्राम जौ चाहिए। उसको 1 या 2 दिन पहले उसको भिगो दीजिएगा ना, तो वो अच्छे से जौ जम जाएगा। तो उन्हें जौ लेना है 100 ग्राम। और जौ उगाने के लिए एक पात्र लेना है, मिट्टी का पात्र। आप लोग कुम्हार से बोल करके और ले लीजिएगा मिट्टी के पात्र। इसके बाद में हमें साफ स्वच्छ मिट्टी चाहिए। तो बता दूं कि कहीं भी नदी नाला या गंदगी जगह से आप लोग मिट्टी मत लीजिएगा, आप लोग साफ सुथरे जगह से आप लोग मिट्टी लीजिएगा। कहीं नदी किनारे के घाट से जहाँ स्वच्छ जगह हो वहाँ से आप लोग मिट्टी ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया जो लोग जौ उगाते हैं उनके लिए। अब चलिए जान लेते हैं कि अखंड जोत के लिए हमें कौन कौन से सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो अखंड जोत के लिए हमें बड़ा सा दिया चाहिए। तो आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हो या धातु का भी ले सकते हो। तो सबसे अच्छा होगा अगर आप धातु का ले लेते हैं तो, क्योंकि ये हवा बहता है तो धातु वाला में बुझने का डर नहीं रहता है, ऊपर से ढकने वाला देता है। लेकिन मिट्टी वाला में एक तो तेल भी ज़्यादा लगता है और बुझने का डर भी रहता है। तो आप लोग धातु का ले लें तो सबसे अच्छा है। इसके बाद से अगर आपके पास में माता रानी का दिया हुआ उतना है तो आप घी में भी दीपक जला सकते हो, तो आप लोग घी में जला लीजिएगा। नहीं तो आप लोग तिल के तेल में जला लीजिएगा। तो बता दूं कि तिल का तेल या घी मतलब 1.5 केजी के आसपास में लग जाता है, क्योंकि मैं हर साल अखंड जोत जलाती हूँ तो 1.5 केजी लग जाता है नवरात्रि में। तो आप लोग 1.5 केजी तिल का तेल ले लीजिएगा अखंड जोत जलाने के लिए। और बता दूं कि जब भी घर में अखंड जोत प्रज्वलित करें प्रथम प्रतिपदा के दिन से, तो उस दिन से घर को हमें सूना नहीं रखना है, किसी न किसी फैमिली सदस्य को घर में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही सब सामग्री हमें अखंड जोत के लिए। इसके बाद अखंड जोत के लिए हमें लंबी बाती चाहिए। तो आपको मार्केट में 1.5 हाथ का बाती मिलता है तो वो आप लोग खरीद लीजिए, नहीं तो आप अपने घर में कच्चा धागा का या कच्चा सूत का जो मौली आता है उसका भी आप लोग अपना अखंड जोत जलाने के लिए पूरा लंबा बाती बना सकती है। तो मैं वो भी बना करके अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं पूजा की सामग्री की, माता रानी के पूजा में हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बता दूँ धूप बत्ती। तो आप लोग 2 पैकेट धूप बत्ती ले लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि के दोनों समय धूप बत्ती जलाया जाता है। अगर आपके यहाँ उपला मिल जाता है तो आप चाहे तो दोनों समय हवन भी कर सकते हैं, या आप अष्टमी या नवमी के दिन हवन कर सकते हैं। तो टोटल आपकी इच्छा, आप रोज़ भी कर सकते हैं या आप अष्टमी नवमी के दिन हवन कर सकते हैं। तो धूप बत्ती लेकिन रोज़ जलाइएगा दोनों समय। इसके बाद में हमें चाहिए दीपक, छोटा सा दीपक, क्योंकि जब भी हम आरती दिखाते हैं कपूर से तो कभी कभी आरती कपूर ख़त्म हो जाता है ना, तो वो दीपक जलता रहता है। तो एक छोटा सा दीपक ले लीजिएगा। और रुई का बाती आता है, तो आप चाहे तो लंबा बाती ले सकते हो या गोल बाती भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको भिगो करके तेल में और टिफिन में या डिब्बा अच्छा से धो करके उसमें डाल दीजिएगा, और उसमें से निकाल के जलाने में अच्छा रहता है। तो आप लोग बत्ती ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें चाहिए अक्षत पूजा में रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, ये सब पूजा की सामग्री है, तो ये सब ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में बता दूं कि जनेऊ, गणेश जी को अर्पित करने के लिए हमें जनेऊ चाहिए, तो जनेऊ आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। इसके बाद में कलावा, जिसे मौली भी कहते हैं, तो आप लोग 1 पैकेट कलावा ले लीजिएगा। वो कलावा कलश के गर्दन में भी बांधा जाता है। अगर आप नारियल में चुंदरी नहीं लपेट पाती हैं
तो आप कलावा भी लपेट करके और कलश के ऊपर नारियल रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पैकेट आप लोग कलावा ले लीजिएगा। इसके बाद शहद, भोग लगाने के लिए हमें शहद चाहिए। तो बता दूं कि अभी मैं वीडियो और डालूंगी कि हमें माता रानी के 9 दिन का 9 भोग आता है, तो किस दिन हमें क्या चीज़ का भोग लगाना है वो भी वीडियो डालूंगी। फिलहाल आप लोग सिर्फ शहद ले लीजिएगा, ठीक है, दुकान से। इसके बाद में इत्र, इत्र का पूजा पाठ में बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो आप लोग इत्र ज़रूर ले लीजिएगा। इसके बाद हमें चाहिए लौंग और इलायची, क्योंकि माता का जो होता है ना ये प्रिय भोग होता है, तो आप लोग लौंग इलायची ले लीजिएगा। और दोनों समय हमें माता को लौंग इलायची का भोग लगाना है, एक एक ही डाल करके लगाना है, लेकिन ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में हमें चाहिए कपूर, दोनों समय हमें कपूर से आरती करनी है, तो आप लोग 100 ग्राम के आसपास में कपूर ले लीजिएगा, तो आपके नवरात्रि के 9 दिन दोनों समय इतने में आपका आरती हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें चाहिए पान का पत्ता, तो पान के पत्ता आप लोगों को पहला दिन माता रानी को भोग भी लगाया जाता है और पान के पत्ता कलश में भी डाला जाता है, तो आप लोग पान के पत्ता ज़रूर ले लीजिएगा और माता रानी के प्रथम दिन पान के पत्ता भी भोग लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें चाहिए सुपारी, तो सुपारी आप लोग ले लीजिएगा कलश में डालने के लिए, या जो लोग भी मतलब गौरी गणेश जी बनाना चाहेंगे वो सुपारी से भी गौरी गणेश जी बना करके रखेंगे, क्योंकि बिना गणेश जी का हमें कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आप चाहे तो फोटो प्रतिमा से कर सकते हो या सुपारी से भी बना करके रख सकते हो। इसके बाद में हमें चाहिए पुष्प, तो अगर आपको अड़हुल का फूल मिल जाता है, गुड़हल का फूल, तो सबसे अच्छा है। नहीं मिल रहा है तो आपको जो भी फूल मिल रहा है उस वही फूल आप माता रानी को अर्पित कर दीजिएगा, तो फूल ले लीजिएगा। इसके बाद में हमें चाहिए दुर्बा गणेश जी को अर्पित करने के लिए, तो ये कोई दुकान में नहीं मिलता है, बस ये आपके घर के आसपास में मिल जाएगा, तो दुर्बा ले लीजिएगा। इसके बाद में हमें चाहिए पंचमेवा माता रानी को भोग लगाने के लिए, तो माता रानी के तो 9 दिन का 9 भोग आता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप नहीं बना पाती है, 9 दिन का भोग नहीं लगा सकती है, तो आप लोग काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट, बादाम, मिश्री, इलायची दाना आप चाहे तो इसका भी भोग लगा सकती है, फल फ्रूट इसका भी आप लोग भोग लगा दीजिएगा। बाकी मैं 9 दिन का 9 भोग बताऊंगी अगले वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में हमें हवन सामग्री में क्या चाहिए, क्योंकि जब भी हम पूजा सामग्री खरीदने जाते हैं तो सोचते हैं कि सारे सामान एक ही बार में खरीदते जाएँ, तो हमें हवन सामग्री के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक पात्र चाहिए मिट्टी या धातु का जिसमें हमें हवन करना है, तो आप कुम्हार के यहाँ से ले सकते हो या किसी दुकान पे मिल जाएगा तो वो आप ले लीजिएगा। इसके बाद में हमें उपला चाहिए, तो उपला दुकान पर भी मिलता है तो आप लोग ले लीजिएगा, नहीं तो अगर आपको आम की लकड़ी मिल जाती है तब तो सबसे अच्छा है, उसी से आप लोग हवन कर लीजिएगा। और हवन में डालने के लिए एक सूखा नारियल चाहिए, तो आप लोग एक सूखा नारियल ले लीजिएगा। इसके बाद में हवन सामग्री आता है, तो बता दूं कि हवन सामग्री आप चाहे तो रेडीमेड भी खरीद सकते हो या आप अपने घर पे हवन सामग्री ला करके उसको अपने हाथ से उसमें घी, जौ, तिल, अरवा चावल ये सब डाल करके आप हवन सामग्री खुद से भी बना सकते हो। तो यही सब पूजा सामग्री हमें नवरात्रि में चाहिए, तो प्रथम दिन से लेकर के और हवन तक के पूरा सामग्री यही है, तो आप लोग तो यही सब हमें पूजा सामग्री चाहिए, तो ये नहीं है कि हमें इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो हम उसके बिना पूजा नहीं करेंगे। जितना हो उतना में ही पूजा कीजिएगा, तथा शक्ति यथा भक्ति। भगवान ये नहीं देखते हैं कि हमें हर चीज पूर्ण चाहिए, नहीं, भगवान भाव देखते हैं। तो जो आपको सामग्री मिल जाता है उतना में ही हमें माता रानी की पूजा करनी है, पूरे विधि विधान से पूजा करनी है और कलश स्थापना हमें सुबह में ही करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पूजा सामग्री से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो आप लोग पहले से ही आप लोग अपना लिस्ट बना करके रख लीजिएगा कि कलश स्थापना के लिए हमें क्या चाहिए, कलश के जौ के लिए हम जो लोग जौ गिराते हैं वो उनके लिए क्या क्या चाहिए, पूजा सामग्री के लिए क्या क्या चाहिए। तो सब चीज़ आप लोग अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा ताकि आपसे कुछ भी छूटे ना, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई पूजा सामग्री से संबंधित। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को
नवरात्रि के पूजा सामग्री से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।